हे एवरी वन दिस इज शानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड वीडियो टूडेडियो आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर द ओपन विंडो रिटन बाय साकी एंड हिज ओरिजिनल नेम इज एच एच ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं सो वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया दैट वॉट एग्जैक्टली द ओपन विंडो मीनस हेयर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत की गई है हर एक चीज हमें ऑलरेडी क्लियर है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर चैप्टर का जो नाम है द ओपन विंडो वो इसलिए दिया है बिकॉज इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ यानी, जो चीज यानी स्टोरी है जिस पे बेस्ड थोड़ा स्टार्टिंग का यू you नो know, आपका पार्ट है देन उसके बाद एंड में जो फ्रैमटन का यहाँ पे कैरेक्टर्स आप सभी को याद हो अगर ने देन सेपिल्टन एंड द फ्रैमटन वीरा इन सब पे बेस्ड यू नो एक स्टोरी है और वो ओपन विंडो से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड उस तो जिनको थोड़ा नर्वस डिसऑर्डर है और इसीलिए वो अपनी सिटी को छोड़कर रूरल रीट रीट के लिए जाते हैं उनकी सिस्टर इस रूरल एरिया में चार साल पहले रहती थी

दैट वॉज अ मंथ ऑफ अक्टूबर तो क्यों ओपन रखा है उसके पीछे एक ट्रेजडी है जो तीन साल पहले उनके घर में एक मिस हैपनिंग हुई थी उस पर पूरा नरेशन देती है वो फ्रैमटन को फ्रैमटन वॉज अट्स यू नो स्कैड बिकॉज थोड़ी यू नो बहुत स्कैरी सी वो है स्टोरी है एंड उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर यानी जो मिसेस सेपिल्टन है जब वो आती है तो शी ऑल्सो uh, like you know, अपनी थोड़ी बहुत करते है, मिस, जो है to to और फिर एकदम से क्या होता है उन्हीं स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उस विंडो से एंटर करते हैं नाउ फ्रैमटन थॉट कि वो लोग घोस्ट हैं कोई भी ऐसा सोचेगा वो भूत हैं और इसीलिए वो वहां से भाग जाते हैं वीरा एक बहुत ही क्लेवरली on the spot acre. स्टोरी uh, फॉर्म कर देती है एंड दिस इज हाउ हम वो चैप्टर देखते हैं देर इज वन मोर कैरेक्टर जिसका नाम दिया हुआ है ज्यादा कुछ नहीं पता दैट इज यंगेस्ट ब्रदर ऑफ मिसेस जिसका नाम है रॉनी और उनके बारे में थोड़ी एक दो लाइंस दी हुई हैं दैट्स इट तो चार लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए इस पूरे चैप्टर में अदर देन दिस और भी कैरेक्टर्स कौन से हैं भाई वो है फ्रैम टन की सिस्टर देन मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड उनके एक और बड़े भाई जिसकी बात नहीं की गई है टोटल टू तो यंग ब्रदर्स की बात की गई है एंड दे ऑल्सो हैव अ इज क्लियर तो ये सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द कंप्लीट चैप्टर वंस अगेन सो दैट आपका रिवीजन तो हो जाए साथ ही साथ अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ आपको एक्सप्लेनेशन में तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्लियर ऑल द ओपन विंडो रिटन बाई एच एच मुंडोरी ऑफ फ्राम हु फ्रॉम नर्वसनेस तो यहाँ आपको दिया हुआ है वर्ड बैड नर्व जिसका मतलब होता है कि वो एक नर्वस डिसऑर्डर से या फिर यू नो एक टेंशन वरीर हो कोई पर्सन बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं डिसऑर्डर बोलते हैं तो इस तरीके से इनको कुछ कंडीशन है जिससे वो सफर कर रहे हैं एंड देन अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ फिफ्टीन टोल्ड फ्रैमटे अब यहाँ से देखो स्टोरी की बिगनिंग होती है, है क्योंकि वो इस कंडीशन से सफर है पीस नहीं होता शांति नहीं होती तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे कोई शांत जगह पे जाके रहेंगे सो so दैट वो अपना टाइम यू you नो know, ऐसे स्पेंड कर पाए जिससे ज्यादा स्ट्रेन या स्ट्रेस ना पड़े उनके ब्रेन पे सो दैट ओवरऑल थोड़ी कंडीशन बेट बेटर हो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो क्लियर नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हेयर जहाँ पे फ्रैम्पटन नटेल जो है वो मिसेस सेपल्टन के घर गए हुए हैं हु इज़ वन ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और जिनका जो है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इनके सिस्टर को दिया था तो अब वो उसके घर जाते हैं मिसेस सेपल्टन के तो वहाँ पे उनकी जो नीज है दैट इज़ वीरा वो जो है बिगिन करती हैं इस चैप्टर को वेरी कॉन्फिडेंट यंगीन टोल्डन अब यहाँ बात किसकी हो रही है कि ये वीरा जो है जो नीज है इनकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है की नीज एंड शी इज लाइक वेरी इंटेलिजेंट वेरी क्लेबर और वो जो है सीधे सीधे बोलती है इनको फ्रैमटन को कि मेरी जो आंट है शी वुड बी लाइक डाउन स्टेज इन अ माई वाइल यानी थोड़ा वो टाइम लेंगी थोड़ी देर बाद वो नीचे आएंगी बट तब तक यू हैव टू लाइक टॉक टू मी यानी कि वी कैन जस्ट कम्युनिकेट यानी आपको मेरे को झेलना पड़ेगा शॉर्ट sort ऑफ of, तब तक हम लोग जो है बातचीत कर लेते हैं

Behavior. तो यहाँ पे वो यही सोच रहे थे कि ये जो फॉर्मल विजिट्स हैं थोड़ी बहुत इन अ सक्सेशन यानी कि वो क्योंकि स्ट्रेंजर्स से कुछ कुछ एक के बाद एक के बाद मिल रहे थे राइट बिकॉज लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए उनको तो वो एक मिसेज सेपल जिनके पास सुझान नहीं रहे होंगे वो हर किसी से मिलने जा रहे थे जिनके बारे में उनकी सिस्टर ने उनको बोला था। तो वो यही सोच रहे थे कि यू you नो know, ऐसे एक के बाद एक यानी सक्सेशन में स्ट्रेंजर्स के साथ मीट करना फॉर्मल विजिट्स जो हैं वो डिट बी वेरी हेल्पफुल क्या वो हेल्प करेगा इनको टू क्योर हिज डिसऑर्डर जो उनको डिसऑर्डर है जो नर्वस इशू से वो यू you नो know, जा रहे हैं या गुजर रहे हैं वो चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी उसमें वो थोड़ा कन्फ्यूज थे सो दिस इज वॉट इज़ मेंट बाय दिस पर्टिकुलर लाइन

डेंजरस तो उनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाएगी बिकॉज ही वुड बी लोनली तो इसीलिए उनके सिस्टर का मानना था कि नई बातचीत करने से यू नो यू वुड फील बेटर सो शी गेव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल शी न्यू देर वन ऑफ देम वॉज मिसेिस सेपल्टन और इसीलिए वो बहुत सारे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती है किसको फ्रैंकटन को और ये भी बोलती हैं कि उनमें से कुछ लोग सच में बहुत अच्छे हैं जिनसे वो मिली हैं और उनमें से एक का नाम किया है जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मिसेस सेपिल्टन सो फ्रैम्पटन वाज आल्सो यू नो होपिंग कि काश मिसेस सेपिल्टन उस नाइस डिविजन में या उस कैटेगरी में फॉल करें जो लोग थोड़े अच्छे हैं ऐसा उनकी सिस्टर ने कहा था तो वैसे मिसेस सेपल्टन भी वैसी हो

पे वो यहां पे सबसे मिलने आए हैं तो इससे क्या हो जाता है इससे फ्रैमटन की ये जो फ्रैमटन के साथ बैठी हुई वीरा वो जो है कंफर्म कर लेती इस को, वो हो जाती है इस चीज़ को घर के बारे में so तो वो कुछ भी नहीं जानते थे, के बारे में ये समझ आ गया वीरा को अब यहां से वीरा जो है समझ गई कि भाई अब ये मिल गया है एक इंसान यू नो जिसको अब मैं ऐसी कोई प्रैंक कर सकती हूँ ऐसी कोई स्टोरी सुना सकती हूँ फ्रैमटन जस्ट न्यू अबाउट सेपल्टन नेम एंड एड्रेस और वो सिर्फ दो ही चीजें जानते थे ऑब्वियसली का नाम क्या है मिसेस सेपिल्टन और रहती कहाँ है ऑब्वियसली अभी वो उस घर पर पहुंच पाए ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सेपिल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट अब एकदम से यू you नो know, ये फ्रैम्पटन जब वो घर वगैरह देख रहे हैं तो उनको यू you नो know, एक डाउट आता है कि मिसेस सेपिल्टन जो है वो मैरिड वुमन है या फिर शी इज विडोड लाइक शी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हर हस्बैंड तो ये दोनों चीजों में you know, उनको डाउट था बट ही वो श्योर कि ऑब्वियसली मिसेस सेपिल्टन है बड़ी है एज है तो शी वुड बी मैरिड

उनको देखकर पक्का ऐसा लग रहा था देन द नीज टोल्ड फ्रैमटन अबाउट द ट्रेजेडी दैट हैपेंड थ्री इयर्स बैक और यहाँ से वीरा की एक आ, बोल सकते हैं प्रैंक स्टार्ट होता है बिगिन होता है और वो ये स्टोरी नरेट करती है फ्रैमटन को कि तीन साल पहले एक ट्रेजेडी एक मिस हैप हुआ था इनके घर में

शूटिंग के लिए गए थे एंड देन उसके बाद वो बताती हैं दे नेवर केम बैक वो लोग कभी वापस नहीं आए तीन साल हो गए और अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं हंटिंग से कि जिसके लिए भी वो गए थे इन क्रॉसिंग द मूर मूर का मतलब क्या होता है कि एक मार्शलैंड ठीक है तो इन क्रॉसिंग द मूर टू दूटिंग पीस ऑफ बॉग और ये जैसी ही एक मार्शलैंड ग्रास लैंड को क्रॉस कर रहे थे क्यों जा रहे थे क्रॉस करके बिकॉज दे वॉन्टेड टू रीच टू देते रहते हैं हंट करते रहतेट स्पॉट हो ही जाता

दोनों भाई जो हैं, दे आर नो मोर दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट और सबसे ड्रेडफुल चीज है, सबसे डरावनी चीज या सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग चीज जो थी इस पूरी स्टोरी की वो यही थी यानी मीरा बोलती है कि उनकी बॉडीज जो है वो रिकवर नहीं हुई Poor aunt always thinks that they will come back some day. They and the little brown spaniel that was lost with them. और फिर वो continue करके बताती हैं किसको Frampton को कि उनकी जो aunt है Mrs. Appleton वो हमेशा इस hope के साथ जी रही हैं कि उनके husband, उनके brothers और उनके साथ जो ये dog गया था that is little brown spaniel वो भी एक ना एक दिन इसी window से वापस आएगा.

ओवरऑल ये बोलना चाह रही थी फ्रैम्पटन को कि मिसेस सेपल्टन शॉक में है एंड शी इज़ नॉट यू नो एबल टू गेट रेडी और शी इज नॉट वांटिंग टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनकी फैमिली जो है यानी उनके हस्बैंड ब्रदर्स और डॉग वापस नहीं आएंगे तो शी इज़ होपफुल कि नहीं इसी विंडो से वो लोग एंटर करेंगे सो दिस वॉज ओवरऑल स्टोरी जो कि वीरा फ्रैमटन को नरेट करती हैं डन ऑल राइट The aunt has often told the girl how her husband, with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? as he always did to tease her, went out.

सुनकर मिसेस जो है उनको बड़ा अजीब लगता था। और वो इस गाने से बड़ी चिड़ती थी और इनका जो छोटा भाई है वो उनको चिड़ाने के लिए ये ही गाना गाता था एज यूज डिड टू टीज हर वेंट आउट और कैसे वो वापस बाहर गए इस तरीके से चीजें लेकर गए थे बताती है कि उनकी आंट ने उनको बताया है।

मिसेस uh, के हस्बैंड उनके दोनों भाई और स्पेनियर वो लोग एंटर करेंगे इस विंडो से तो दिस इज हाउ वीरा अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है फ्रैमटन से नाउ इट वाज अ रिलीफ टू फ्रैमटन व्हेन द आंट केम इनटू द रूम अपॉलोजाइजिंग फॉर बींगर अपियर होता है और यहाँ पे ऐसा है कि ओ, ये जो स्टोरी थी वो थोड़ी सी स्केरी हो रही थी तो अब फ्रैमटन जैसे ही देखते हैं कि मिसेस सेपल्टन फाइनली आ गई हैं नीचे एंड शी वो अपॉलोजाइज्ड कि वो इतनी देर हो गई उनको आने में शी बिकेम लेट तो वो सॉरी बोलती हैं है को, तो, तो इट वॉज लाइक अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर हिम तो इस तरीके से वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि चलो भाई कोई आ गया और एकदम से वो स्टोरी से बाहर जाएंगे एंड आज अम्यूजिंग हिम और फिर मिसेस सेपल्टन सॉरी भी बोलती हैं और उनसे ये भी पूछती हैं कि आई होप वीरा यानी कि जो उनकी नीट है वो उनको एंटरटेन रख रही थी यानी उनका यू you नो know, ऐसा नहीं था कि वो बोर हो गए थे उनसे बातचीत कर रही थी फ्रेमटन टोल्ड दैट वीरा हैड बीन वेरी इंटरेस्टिंग और वीरा खुद ही से बातें कर रही है इतनी यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की है ऐसे स्टोरी सुना रही है तो फ्रेमटन के लिए वो बच्ची क्या थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी तो वो बोलते हैं यस शी वाज वेरी इंटरेस्टिंग मिसेस सेपलटन देन आस्क्ड फ्रेमटन whether he was okay with the open window अब यहां पर पॉइंट आता है जहां पर मिसेस सेपलटन uh, जो है वो ंगली यानी कि अनोइली वो क्या करती है स्टोरी को ओपन सीधे -सीधे you know, तो रखा है हमने। ऐसा मन था कि किसी किसी को होगा इशू इतनी ज्यादा हवा वगैरह चल रही होती है तो वो उनसे कंफर्म करती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ये जो विंडो हमने ओपन करके रखी है देन शी टोल्ड रीजन अब वो रीजन बताती है देखो रीजन वो जो बोलती है उसमें कहीं वो मैंशन नहीं करेगी कि तीन साल पहले की बात है कोई ट्रेजिडी हुई थी कोई मिस हुई थी बट यस कहीं ना कहीं वो प्रूव कर देंगी वीरा के इस पॉइंट होपफुल हैं कि उनके हस्बैंड लोग हैं जो भी स्टोरी में है, वो वापस आएंगे so, so, देखो, उन्होंने प्रूफ कर दी कि, उनके और उनके हैं बाहर किस लिए गए हैं हंट के लिए शूटिंग करने के लिए एंड देन वो इसी विंडो से वापस आते हैं हमेशा तो यहीं से आएंगे तो ये सारी चीजें जो थी वीरा की इंडिविजुअली स्टोरी के पार्ट्स वो ये प्रूफ कर देती है मिसेस सेपल्टन तो फ्रैम्पटन को और बिलीव हो जाता है कि यस वीरा वाज राइट कि तीन साल पहले ये ट्रेजेडी हुई थी और मिसेस सेपल्टन अभी भी उस शॉक में है सो शी इज नॉट रेडी टू बिलीव कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे दे वर आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस स्नाइप क्या होती है एक बर्ड होती है जो मार्शेस में ही फाइंड मिलती है आपको

You know, uh, होती है, कैसे birds की, बड़ी डरावनी मतलब होती, तो 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 होती जाती है डिसऑर्डर इसीलिए थोड़ा इश्यू हो रहा था उनको एंड स्लोली एंड स्टेडली उनको लग रहा था कि नहीं उनको अब टॉपिक चेंज करना चाहिए

एंड आइज वो कॉन्टेंटली स्टेरिंग ओपन विंडो एंड लॉन्ड वो पूरा टाइम जो फ्रैप्टन बैठे हुए ना उनके जस्ट पीछे वो विंडो थी जहाँ से लोग एंटर करेंगे सब सारी बातें हुई हैं तो वो कॉन्स्टेंटली उस विंडो की तरफ ही देख रही थी उस लॉन की तरफ देख रही थी जो उस विंडो की उस तरफ था और वो थोड़ी बहुत ही बातें सुन रही थी किसकी फ्रैमटन की

फिजिकली भी हो मेंटली भी तो वो ऐसे समझा रहे थे किसको मिसेस सेपिल्टन को मिसेस सेपिल्टन वाज नॉट अलर्ट बट शी वाज नॉट एट ऑल अलर्ट बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी बिकॉज ऐसी सब बातें सुनती है जब वो फ्रैम्पटन की तो एकदम से वो ऐसे नो बोलती है और उसी वक्त समझ जाता है कि वो यॉन करने वाली थी उबासी लेने वाली थी और उसी को वो अवॉइड कर रही थी

Frampton trembled slightly and turned towards the knees. Now, Frampton was afraid. स्केर्ड बिकॉज वो जो स्टोरी थी उसमें ये था कि तीन साल पहले ही वो लोग गए थे अभी तक नहीं आए तो अब वापस आ रहे हैं यानी कि जो, जो हरकत थी मे भी उनको ऐसा कुछ दिख रहा है तो किसको देखते हैं वीरा को देखते हैं विद इंटेंडेड टू कन्वे सिंपथेटिक कॉम्प्रीहेंशन और वो इस तरीके से देखते हैं वीरा को कि यू नो सॉर्ट ऑफ वो ये सिंपथाइज कर पाए इस कंडीशन के साथ कि मिसेज सेपल्टन को कितना बड़ा शौक लगा है, कि उनको लग रहा है कि ये लोग वापस आ गए चाइल्ड वॉज टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विदेज होन हाइज और ये जो बच्ची है वो भी ऐसी ही देख रही थी विंडो के बाहर जैसे उसकी आंखों में डर हो अब देखो उसके दो रीजन होते हैं सबसे प्रोबेबल रीजन तो यही है कि वो डर गई थी कि यू नो अब पता चल जाएगा किसको फ्रैमटन को कि ये स्टोरी झूठी है मे बी या सेकेंडली उसको ये लग रहा था कि मैं इस तरीके से देखूं विंडो की तरफ कि को सच में वो स्टोरी सही लगने लगे ज्यादा चांसेस तो यही है कि मे बी वी वीरा जो है वो यही प्रूफ मतलब डर गई थी वो अपने आप में कि अब ये पता चल जाएगा फ्रामटन को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तीन साल पहले वाली स्टोरी बिल्कुल झूठी है और जैसे ही अगर मिसेस सिपल्टन को पता चलेगा तो उनका भी रिएक्शन कितना अजीब होगा कि बच्ची कितना यू नो अजीब से प्रैंक खेल रही है जो किसको नहीं करना चाहिए

तो उस वक्त वो क्या देखते हैं कि तीन फिगर्स जो हैं यानी तीन लोग जो हैं वो उस तरफ से यानी विंडो के थ्रू वॉक करते हुए आ रहे हैं।

मतलब उन वो इंसान कौन था वो था मिसेस सेपिल्टन का हसबैंड जिसकी तरह नो you know, वीरा ने बताया ना कि वो एक वाइट कलर के ओवर को कोट को लेकर गए वाटरप्रूफ कोट को इस तरीके से वो देखते हैं फ्रैमटन के ऐसे तीन फिगर्स आ रहे हैं तीनों के पास गन है और उनमें से एक के पास एक कोट भी है और टायर्ड ब्राउन स्पेनियल क्लोज एट देयर हील्स और नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट क्या था एक डॉग भी था उनके साथ तो वैसे एक थका हुआ टायर्ड सा जो डॉग है स्पेनियल वो भी इनके पैरों के आसपास घूम रहा था A horse young voice chanted out of the dust. थोड़ी देर के लिए तो थी, ऐसी आवाज सुनाई देती है तो भूत आ गए बिकॉज वही सारी चीजें हो रही है जो वीरा ने बताई थी फ्रैमटन वॉज वेरी स्कैड वाइडली आर्टिस्टिक एंड है एकदम से उन्होंने क्या किया उन्होंने उसी इम्पल्स में अपनी स्टिक उठाई उठाई, भयंकर तरीके से वो जो भागे हैं से इतनी तेज भाग उसको गार्डन की, की तरफ जो बाउंड्री होती है उस तरफ अपनी साइकिल टर्न करनी पड़ी नहीं तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे से टकरा जाते द बेर ऑफ कि मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड जिनके पास वाइट वाटरप्रूफ कोट था आज मिसेस सेपल्टन वाज दैट हु तो उनके पास यानी वाटरप्रूफ कोट है और वो फिर मिसेस सेपल्टन से पूछते हैं कि हम जैसे आई ये कौन था जो इतनी भयंकर तरीके से इतनी तेजी से वहां से भागा है शी टोल्ड ही मोस्ट his illnesses मैन एंड कुड ओनली टॉक अबाउट एंड goodbye or अ वर्ड ऑफ husband arrived. मिसेस से पेट उनको ये चीज़ अजीब लगती है राइट तो वो बोलती हैं अपने हस्बैंड से कि वो कोई पर्सन था बड़ा अजीब सा अलग सा एक्स्ट्रा इंसान है और उसने सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बातचीत की और एकदम से बिना या तो ना तो उसने गुड बाय बोला ना ही उसने अपोलोजाइज किया सॉरी बोला कि मेरे को जाना पड़ेगा आपके हस्बैंड आए हैं तो उस वक्त सॉरी बोले नहीं वो एकदम से भाग गए सो ही वॉज अ पर्सन जो थोड़ा बीमार था एंड ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन घोस्ट और मिसिस एपिलोज लाइक साफ बीरा अब यहाँ पे माइंड यूज करती है और, एक और स्टोरी फॉर्म करती है ताकि वो न फस जाए तो वो बोलती है अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है वो एक्चुअली डर गए होंगे डॉग को देखकर स्पेनियल को देखकर बिकॉज उन्होंने मुझसे शेयर किया था उनको डॉग से बहुत डर लगता है ही वॉज वन हंड्रेड इंटूअ्री समय ऑन ऑफिस बाय ऑफ डॉग्स एंड है नाइट इन न्यूली डग ग्रेव विद क्रीचर्स वो तो बताती है कि मुझे फैमटन ने बताया था कि एक बार ग्रेवयार्ड के वो डॉग्स जो पैक ऑफ डॉग्स ग्रुप ऑफ डॉग्स उनके पीछे भाग रहे थे और उनको जो है अपनी उन्हीं के ऊपर you know, उनपे बाक कर रहे हैं उनपे फोम हो रहे हैं डांस कर रहे हैं उनका इंसिडेंट तो या एक्सपीरियंस रहा है इसलिए वो बहुत डरते हैं डॉग्स से सो इनफ टू मेक एनी वन लूज दस रोमांस इट शॉर्ट नोटिस बहुत स्पेशलिटी ऑफ